मॉर्निंग अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, इसमें आर के, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल गाइज। सो गाइज, आज अभी सुबह हुई है और अभी मैंने व्लॉग में बोला था पिछले कि मैंने अभी अपना ना, क्योंकि समर स्टार्ट हो रही है और गार्डन रेडी करना है, तो गार्डन के लिए जो है मैंने अपने कज़न जो है वो हडर्सफील्ड से आए हैं, तो उनको मैंने बुलाया है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो उनके पास टाइम नहीं है, दूसरा पैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, तो दैट्स व्हाई हमने सोचा कि हम खुद ही बनाएं, क्योंकि मेरे जो कज़न है उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये गणेश भाई को। तो ये अभी आए हैं हम, तो अभी हम इसको पहले यहाँ से क्लीन करेंगे, जितनी सारी ग्रास यहाँ पे इसके ऊपर आई है गार्डन में ये सारी क्लीन करके, और यहाँ पे हमने फेंकेंगे, ये जितनी सारी ग्रास है ये सारी उतारनी है, उतार के अभी हम वहाँ पे फेंक रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इसके पाउडर की है वो इंशाल्लाह कल आ जाएगा, तो फिर उसमें ये सारा डाल देंगे। ये जो बॉर्डर है इनके, ये बॉर्डर भी सारे ये उतारने हैं, ये वाले जो है फिर इस पर हमने वो लगानी है। ये मुनीर भाई का बेटा है उस्मान, ये वो जो फेंस है वो वुड वाली वो लगानी है, वो अभी हम लेने जाएंगे। पहले हम इसको सारा जैसे ये उतार के फेंक रहे हैं, ये सारे हम लोग ये ग्रास सारी करेंगे, फिर इसको लेवल करेंगे ये जो है। अब मैं भी इनके साथ लगा हुआ हूँ क्योंकि मेरे कज़न हैं, तो फिर गेट टुगेदर होता है और अपनी जगह तो आपको पता, फिर अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से फिर खुद जो है वो करते हैं, दूसरों लेबर जो है वो आपको पता वो कैसे करती है, फिर अपना काम होता है वो कैसे करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। फिर पहले ये इसको हम क्लीन कर लें तो फिर आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं, फुल गार्डन बना रहे हैं हम। अब ये सारी ग्रास जो है सारी इसको उतारेंगे, उसके बाद इसको लेवल करेंगे, यहाँ पे बहुत प्यारी सी वुड की फेंसेस लगेंगी, जब ये पूरा गार्डन रेडी होगा हम आपको तब भी दिखाएंगे। फिलहाल आप देखें आपके व्लॉगर कैसे मेहनत करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे खुद करनी है हर चीज़। ये उनके कज़न है और उनका बेबी है साथ, वो हेल्प कर रहा है, छोटा सा बच्चा। वेलकम बैक गाइस, अभी हमने अपना गार्डन जो है वो सारा लेवल कर लिया है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे BMQ पे अपना सामान लेने का, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं अपने कज़न के साथ आया हूँ यहाँ पे। जो भी कोई चीज़ चाहिए हुई वहाँ पे अपने घर के लिए, कोई रेनोवेशन के लिए, A to Z आपको यहाँ से सारा कुछ मिलता है। पेंट सेशन, मुझे भी पेंट वाइट लेना है। ओके, अभी पेंट चाहिए जो कि हमने करना है अपने डोर के ऊपर और इस साइड पर बॉर्डर पे। ब्रश के रोलर हैं? ओके, मुनीर भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये मेरे कज़न हैं, तो इसलिए ये बड़ा नहीं हो चाहिए। हाँ ये तो बड़ा है, लेकिन ये छोटा चाहिए।
ये 11 का ये भी लगा दी 11 पाउंड का यही बोला ठीक है ये हमने अपने दौड़ के ऊपर जो बॉर्डर है उनको करने के लिए लिया और उसका जो फेंस वगैरह का अभी हमें ब्रशेज चाहिए ब्रश चाहिए पेंट के ये ठीक नहीं फिर ये ठीक है क्योंकि बेस्ट है छोटे मोटे सारी जगह सारे आ जाएंगे साइज सो अभी हमने ये दो चीज़ें ले ली हैं सिलिकॉन वगैरह कोई चीज़ है मे बी ये नहीं चाहिए जो हमें चाहिए ये वायरस वाला सब ये गार्डन का सारा सामान भी ऐसे होता है ये ग्रास वगैरह है ये जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है ये ऐसे लगती है ये फेंसेस हैं ये लगती हैं फ्रेंड्स ये वाली मुनीर भाई देखो ये ले वो कि मैं तो भाई सबका काम लगा ये हाइट का फर्क है ना मेरे भी सिक्स इसकी हाइट ऊंची है ना ये ये 38 पाउंड का फर्क है 6x5 तो चढ़ाई तो 6 है और लेंथ में 5 है तो हमें चाहिए 5 फुट है ना ऐसे ही है ना लेकिन वो साइज ही मिलनी है 5 वाली नहीं मिलनी ये 6 है सो 6 2 फुट बाकी बचेगा सो गाइस अभी हमने ये ऑर्डर करने लगे हैं क्योंकि अभी हम गाड़ी में नहीं लेके जा सकते गाड़ी में ये नहीं आएंगी अभी हमने उसका टैग ले लिया अभी हमें ये चाहिए 7 चाहिए जो पीछे बड़ी हुई हैं ये 7 चाहिए फिर अभी देखते हैं डिलीवर करते हैं या क्या करते हैं अल्लाह करे अभी कर दें डिलीवर ताकि मुनीर भाई की भी जो है वो छुट्टियाँ हैं अभी 3 छुट्टियाँ हैं बैंक हॉलीडे आके इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी ख़त्म कर देंगे मेरे काम इंशाल्लाह अभी ये किस लिए ये वो जो लगाना है इसकी इसके ऊपर ही फेंस लगी ठीक ये कितने चाहिए थे अभी ये जो कह रहे हैं ये ज़मीन में लगाएंगे फिर इनके अंदर ये पिलर्स आएंगे ये वाले ये भी अभी हमें चाहिए ये कितने चाहिए 7 8 नहीं ये 8 चाहिए 7 चाहिए 8 ये चाहिए हमें
फिन्स चाहिए हमें 7, और फिर ये हमें 8 चाहिए बार्स। ये अभी देखते हैं। 2000 pounds लगे। नहीं भाई सर, 2 to 3 thousand pounds ईजिली। सो इंशाल्लाह लेट्स सी। ये गार्डन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, लोग इसलिए तो बनाते नहीं, बहुत कम लोग बनाते हैं। ये देखेंगे ऐसे आए हैं, ऐसे आएगा ना, ऐसे सारा अंदर जाएगा। चलो फिर लेने तो हैं, ले लें क्या कहते हो? मीर भाई कह रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव इन्होंने लगाए हैं, 14 pounds का ये एक है। कहते नॉर्मली 5 pounds का होता है, 5-6 pounds का ही आता है। अभी हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी आगे मनीर भाई क्या डिसाइड किया, वो फैंसी से लेने हैं उधर से लेने हैं, इधर से ले लें। अभी ये दुआ करें डिलीवरी कर दें, अभी डिलीवरी का इशू ना हो, बस डिलीवरी ये कर दें। हैं चले ठीक है। ये कितने चाहिए? 8, ये भी 8 चाहिए। तो अभी हमने ये ले लिए अपने, ये बॉर्डर्स वगैरह इनको बोलते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए। अभी फ्रेंड्स हमने वो सेलेक्ट किए हैं, वो अभी जा रहे हैं अंदर, अल्लाह करे वो डिलीवर कर दें। सो फिर इंशाल्लाह देखते हैं, बाकी जो सामान हमने चाहिए था हमने ले लिए। ये गार्डन पौधे शोधे प्लांट्स नहीं, कोई और कोई चीज़ चाहिए नहीं? भाई जब भी हमने ये सामान लिया है So we need as well this, how many? 7. 7 for the fence. This is for fence. Have you got the fence set up? I've got the code number. So, ये अभी 216 pounds का भी ये सामान आया है।
अभी ये सिर्फ इतना सा सामान लिया है और 216 pounds 93 वो कार्ड पे जो मुनीर भाई के पास कार्ड था ना वो उस पर डिस्काउंट मिल गया अभी। सो अभी हमें फ्रेंड्स के लिए हम इधर हैं So they'll give you a ring probably a couple of days before it's supposed to be delivered, just to make sure that day is fine, and then obviously set up a time. Yeah, thank you. Inshallah, abhi jo samaan hamari gaadi mein aa jayega wo hum leke ja rahe hain. Friends, we are the lemon for delivery. Oh, my eyes! So, abhi hum ja rahe hain towards apni gaadi par ja rahe hain. Abhi ja ke phir isko Munir bhai, wo cement bhi to lena. ये सर सुनो ओके बस हाँ और कुछ नहीं नहीं सही नहीं चलेगा तो ये खाली रही थी ये अभी हाँ ले आगे रहती है ये बजरी हाँ ये भी चाहिए हाँ चलो बस बस नीट भी वो खूबसूरती के लिए भी वो डालते हैं वो बजरी शजरी है ना वो साइडों पे ये वो बीच में आर्टिफिशियल ग्रास लगा देते हैं वो नहीं सही अभी हमने अपना पहले वाला सामान सारा लेके गाड़ी में उसको लोड कर दिया फेंस वगैरह वो 11th को डिलीवर होंगे बाकी जो अपना सामान है वो सैंड कार्बनिक और जो सीमेंट वगैरह वो हमने लेना था वो ले लिया अब हम जा रहे हैं तो हम पे करते हैं Yeah. How many do you free? Have you got that trade card again? Well, money. Thank you. There you go. Oh yeah? So how much is it? That's $21.90 please. अभी हमने ये सामान ले लिया अब बस हमारा जो सामान था वो फेंस थी फेंस अब आएंगी बाकी का काम इंशाल्लाह आज करते हैं फिर कुछ कल करेंगे सो अभी इसको गाड़ी में रखते हैं अभी ये देखिए हमने ऑलरेडी इसमें सारा सामान जो था वो रख लिया था जो जो हमें चाहिए था सो अभी ये जो सामान है ये अब रखना है सो गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं अभी हमने सामान जो लेना था जो गाड़ी में हमारे आना था सिर्फ फेंस रह गई है वो हमारी 11th को जो डिलीवर होगी बाकी सब सामान हमने ले लिया है अभी इंशाल्लाह जाते हैं अभी जो काम रहता है वो उसको जाके करते हैं रेडी खाना शाना खाते हैं खाना भी रेडी हुआ है तो फिर देखते हैं गाइस अभी हमने खाना शाना खाया अभी खाना शाना खा के अभी हम दोबारा आए हैं अपने गार्डन में अभी वो सामान जो लेके आए हैं वो अब हम लगा रहे हैं सो लेट मी शो यू ये इस तरह करके ये लगानी है चीज़ें ये
के जो अभी लेके आए हैं ये सारा हमने वो उसको लेवल करना है अभी थोड़ा सा गार्डन को के तो अभी जाते हैं सामान वगैरह निकालते हैं सामान वो जो नीचे पे है पेंट अंदर रख दा जब भी हम लोग वापस आए हैं हमने अभी काफ़ी ज़्यादा गार्डन को सेट कर लिया तो अभी कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी और कुछ और लेनी थी वो अभी हम वापस आए हैं यहाँ पे B&Q में तो अभी जाके दिखाते हैं कितना काम हमने किया अभी अभी ये वाले कॉर्नर देख रहे हैं ये उसको होल्ड करेगा जो वुड है और अभी हमें सैंड भी चाहिए सीमेंट चाहिए और थर्मिक भी चाहिए अभी वो और लेने हैं तो भाई अभी जो चीज़ें चाहिए थी हमने ले ली हैं अभी मैं जा रहा हूँ काउंटर पे करने के लिए और जो कुछ रिटर्न करवाना था वो भी रिटर्न करना है वो उधर काउंटर के पास ही मैंने छोड़ा हुआ है सामान तो अभी तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर अभी जो सामान चाहिए था वो ले लिया है सो इंशाल्लाह अभी घर जाके देखते हैं बारिश भी शुरू हो गई